नमस्कार। आज आप सांभीशू जलाराम बापा वीरपुर धाम विषय। राम नाम में लीन है ने देखत सब में राम, ताके पद वंदन करूँ। जय 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 जलाराम। मित्रों, जलाराम भगवत वीरपुर मानव सेवा धर्म जागत स्थान जूनागढ़ थी 50 किलोमीटर अंतरे आवेलु छे। राजकोट जूनागढ़ ना मार्ग पर गोंडल पासे आवेल छे। जूना समय नी वात छे, गरबो गड़गिनार साधु संतोनु सिद्ध क्षेत्र छे, तेथी अनेक महात्माओनी वीरपुरना आ इष्ट मार्गे आवन जावन थती रहती हती। आ साधु संतो गाम मा कोई ने कोई श्रद्धावान गृहस्थ पासे सीधू सामान्य मांग करता। ए समय यांत्रिक वाहनों हता नहीं, मात्र पगे चालीने ज लोको यात्रा प्रवास करता हता। त्यारथी आजथी 200 वर्ष पहला सोरठनी आ पवित्र भूमि पर वीरपुर गामे जलाप्लुत थई गया। तेमनो जन्म विक्रम संवत 1856 में थयो हतो। जला भगतना माता राजबाई अने पिता श्री प्रधान ठक्कर लोहाणा दंपति हता। एक समय पवित्र गिरनारना रिद्धि सिद्धि आपनारा एक वृद्ध संत महात्मा राजबाईना घरे आव्या अने आवतानी साथे ज कहे कि माता, तमे तमारा पुत्रना मने दर्शन कराओ। सांभळता ज राजमा कहे कि बापू, भोजन करो, आराम करो, बाळको हमणां रमता भमता आवशे। महात्मा आसन बिराज्या, त्यां ज बाळक जयराम त्यां आव्या अने महात्माने दंडवत प्रणाम कर्या। महात्माए जलाने जोईने कह्युं कि बच्चा, पिछानते हो? आथी बाळके फरी प्रणाम करी मस्तक नमाव्यू। आम पूर्वजन्मना ज्ञानवाळा जलाने राम नामना मंत्रथी प्रेरित करी महात्मा विदाय थई गया। हवे जलो चलता बेसता उठता कार्य करता राम सीतारामना स्मरणमां लीन थवा लाग्यो। यथोचित समय राजकोटना प्राग्ञी सोमैयानी पुत्री वीरबाई साथे तेमना लग्न थया। वीरपुरने आंगणे जला भगत तेमना धर्मपत्नी वीरबाई साथे मानव सेवा अने प्रभु स्मरण करता करता इष्ट मार्गथी निकळता तमाम मानवी अने साधु संतोने भोजन प्रसाद आपता हता अने कोईपण जीव प्राणीनी सेवा सदाय करता रहता हता। थी गाममां सौ तेमने जलाराम कहेवा लाग्या। जलाराम बापा नामना बापानी नामना वधु ने वधु प्रसरवा लागी। परंतु भगवान पण भक्तोनी कसोटी कर्या करे छे। आ भक्त दंपतानी कसोटी पण साधुरूपे श्री भगवाने करी हती अने वीरबाई माँ पासे प्रसादी रूपे जोवा मळी अने धोको मूकी गया हता। वृद्ध साधुरूप लई आवेल भगवाने वीरबाई पासे राखेली जोड़ी अने धोकानी पूजा जलाराम वीरबाई करता हता। हजी पण आजे तेने पूजा वीरपुर जलाराम मंदिर में नियमित थाय छे। वीरपुर आज तीर्थस्थान मनाय छे। श्रद्धाळु भाविको जलारामनी मानता करे छे, दर्शने जाय छे अने अन्य क्षेत्रमां प्रसाद लई पावन बने छे। वीरपुर जलाराम अतिथि गृहमां यात्राओनी व्यवस्था थाय छे। वीरपुरमां परम भक्त जलाराम बापानुं अन्न क्षेत्र छे, इष्टदेव रामचंद्रजीनुं मंदिर छे। मंदिरमां जोड़ी अने धोकाना दिव्य दर्शन थाय छे। अन्न क्षेत्रनी अनाज पीरसवानी प्राचीन घंटी जोवा मळे छे। मंदिरमां जला बापाने श्रीफळ फूलहार धरवा भाविको आवे छे। जलोसो अला जिसकु न देवे अला ईसुकु देवी जला, आवी लोकोक्तिथी तमाम वर्गो अने नाथ जातना जलारामनुं बापानुं स्थान छे। भगवानना भक्त जे आपी शके छे ते भगवान पोते आपता नथी। आवा भक्तोने अनेरो प्रताप अने परचा अहीं आवता अनेक भाविको मानता पूरी करी साबित करे छे। भगवानथी सवाया भक्त छे तेनो प्रत्यक्ष प्रमाण आपता वीरपुरना स्थानकने अनेक वंदन। आ वर्षमां ज पूज्य जलाराम बापानी 200मी जन्मजयंतीए सोरठना दरेक गाममां आनंद उत्सव थयो हतो। पूज्य बापानो जीवन धर्म आंगणे आवेलाने प्रेमथी जमाड़वानो हतो। आपो टुकड़ो तो हरी आवे ढुकड़ो, एवी जलाराम बापानी परंपरा तेमना श्रद्धाळु भक्तोए घणा शहेरो अने गामोमां जाळवी राखी। तेमानुं एक नोंधनीय स्थान महाराष्ट्रमां पूना पासे आणંદી गाममां छे। અહીં જલારામ બાપાની પરંપરા મુજબ ભવ્ય અન્ન ક્ષેત્ર છે। જલારામ બાપાનું મંદિર સુંદર અતિથિ ગૃહ છે। જય જલારામ। સોરઠ ધરા જુગજૂની ગળજૂનો ગિરનાર સુરાસંત રહી પ્યાવતી સોરઠ ધરાની ખાણ। ધન્યવાદ।